ब्रॉट टू यू बाय प्रोबो। ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। द एक्टिविटी ऑन दिस प्लेटफॉर्म मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की पार्टिसिपेटिंग। हमेशा भूलते हैं ऑफ कोर्स क्रेडिट इंडियन टीम को, क्योंकि इंडियन बल्लेबाज भी इन्हीं विकेटों पे बैटिंग करते हैं, इंडिया के गेंदबाज भी इन्हीं विकेटों पे बैटिंग करते हैं। बट एक चीज जो मुझे लगता है, आई थिंक ओवरऑल अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें ना, स्टैंडर्ड जो है ना और स्किल बल्लेबाजी का, वो गिर गया है रेड बॉल में। रेड बॉल में आप, क्योंकि इस वक्त आपने अभी 2012 की बात करी, आपने 2012 की उस इंग्लैंड टीम की बात करी है, मतलब मोस्ट ऑफ द टीम्स आप ये देखिए, ज्यादातर टीमें जो अगर आप कोई भी निकाल के देख लो, ऑस्ट्रेलिया फिर भी मैं मानूंगा, इंग्लैंड हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, ज्यादातर टीम्स ना एक दौरा करती हैं, दूसरे दौरे में ना उनकी टीम बदली हुई नजर आती है आपको। चाहे आप दुनिया की टीमें देख लो, आप चाहे पाकिस्तान हो या कहीं और भी जा रहे हो, आप इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया जो घर पे आती है हमारे, नहीं यहाँ पर भी आप देखो उनके यहाँ कितने बदला। अब इतने सालों में आपने बात करी उस 2012 की, केविन पीटरसन, एलिस्टर कुक, एंड्रू स्ट्राउस, इयन बेल, मैट प्रायर थे ना उसमें विकेट कीपर उनके, मैट प्रायर, आप वो बैटिंग आप देखो, ठीक है। उसके बाद उसी दौर की आप ऑस्ट्रेलिया टीम देख लो, उसी दौर की आप साउथ अफ्रीका, फिर भी यार ग्राम स्मिथ जो है, ग्राम स्मिथ आई थिंक दो बार हराया ग्राम स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दो बार, मतलब वो साउथ अफ्रीका। अब आप मुझे एक बात बताओ ना, ये इंग्लैंड टीम आई है बैस बॉल करके आई, यार इंग्लैंड टीम मतलब एक्चुअली वनडे मैच सारे हार गई है ऑस्ट्रेलिया से, वनडे मैचेस भी नहीं जीत पा रहे हैं। बट सो इंग्लैंड अब आई थिंक अब बबल बस्ट हो गया है, इंग्लैंड का बबल बस्ट हो गया है, वो नई चीज करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तो मैं बस ये पॉइंट कि आपको ये आई थिंक एडमिट करना पड़ेगा हमें कि नो लॉन्गर, लोग बोलते तो हैं हर कोई टेस्ट क्रिकेट का कस्टोडियन बनने को तैयार है कि जी हमारे लिए टेस्ट क्रिकेट इज पैरामाउंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, बट लोग T20 व्हाइट बॉल क्रिकेट ही खेलना चाहते हैं, इसीलिए आपकी जो टेस्ट टीम्स हैं इतनी उनमें इतना बदलते हैं। यार इंग्लैंड तो अब जाके उनको दो ओपनर्स मिले हैं वो, ठीक है, वो भी पता नहीं कितना लास्ट करेंगे। अगर आप पीछे भी मुड़ के देखो उनके कितने पिछले 5-7 साल में इंग्लैंड ने ओपनर्स कितने अपने बदल दिए, उनकी टीम कितनी बदली है, पहले थोड़ी ना ऐसा होता था। अब इंडिया में आते हैं आप देखिए, ज्यादातर सक्सेसफुल बैट्समैन कौन रहे हैं, जो इक्के दुक्के अगर कोई सेंचुरी मार देता है, वो बेन डकेट ने इस बार चलो बना दी, ओली पोप का भी 100 था ना इस बार, मारी तो बहुत है, मैट रेंचो ने आके मार रखी है, ठीक है, वही बोल रहा हूँ, इक्के दुक्के 100 मार देते हैं आप, वो भी आपको याद रहते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पिछले 12 साल में आप शायद से विदेशी बल्लेबाजों ने जो 100 बनाए होंगे वो आप उंगलियों पे गिन लोगे, इन उंगलियों पे कि कोई आप बोलोगे, बट उसका 100 होगा, बाकी क्या होता। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स, अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।